जी जो 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है और जो 2000 की संपत्ति का मालिक है, वो दोनों को अगर बाजू बाजू में लिटा दिया जाता है, ठीक है, तो इससे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो जो सो रहा है, वो जो सो रहा है वो अलग तरह से सो रहा है, ये जो सो रहा है वो अलग तरह से सो रहा है। मैं अंदर की स्थिति की बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो सोता होता है, वो दोनों की स्थिति एक ही होती है, ठीक है। जो दूसरे चीजें होती हैं, जैसे समझो आपने किसी को जमीन पे लिटाया, किसी को आपने एक अच्छे बेड पे लिटाया, तो वो दोनों चीजें डिफरेंट हैं। लेकिन जो जो अंदर की जो स्थिति होती है, जिसको कहते हैं छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, तो जो व्यक्ति जब सोता है, उस समय जो उसकी स्थिति होती है, वो वही स्थिति होती है जो दूसरे व्यक्ति की स्थिति होती है। उसके अंदर श्वास है, उसके अंदर श्वास है। लेकिन जब वही चीज के अंदर कोई ध्यानस्थ ऋषि, ध्यानस्थ व्यक्ति, ध्यानस्थ योगी जो योग करते हैं या जो ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके जो ध्यान लगाते हैं, उस समय के टाइम पे जो अनुभव करते हैं, पहले श्वास लेफ्ट साइड से चलती है, फिर राइट साइड से चलती है, ईड़ा से चलती है, पिंगड़ा से चलती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे श्वास सुषुम्ना की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जैसे ही व्यक्ति आधा घंटा ध्यान लगाता है, उसको मजा आने लगता है, 1 घंटा ध्यान लगता है, उसको और अच्छा लगने लगता है। कोई व्यक्ति मंत्र जाप करके ध्यान लगाता है, कोई व्यक्ति त्राटक करके ध्यान लगाता है, कोई व्यक्ति ध्यान करके ध्यान लगाता है, किसी भी तरह ध्यान लगाता है, लेकिन जब ध्यान लगाता है, वो सारा का सारा चीज नींद की वो अवस्था को ही प्राप्त करने की कोशिश है। वो सारा का सारा नींद की वो अवस्था को ही प्राप्त करने की कोशिश है। आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब नींद लेता है, ठीक है, उसको वो चीज का जो अनुभव होता है, वो एक तरह से मृत की तरह पड़ा रहता है, बरोबर। जब नींद लेता है, जब चोर चोरी करता है, तो उसके अंदर बोला जाता है क्या हुआ भाई, ऐसी नहीं, गहरी नींद में आदमी सोया हुआ था कि भाई चोरी हो गई, समझ रहे हो चीज को, ठीक है। तो जो सोने का जो चीज है, वो मृत के समान है, उसको ध्यान ही नहीं पड़ा, उसके घर से चोरी हो गई, ठीक है। उसी तरह से जब ध्यान की अवस्था में व्यक्ति होता है, तो वो टीच के अंदर जब वो ध्यान की अवस्था में, उच्च अवस्था में जाता है, तो उस समय के टाइम पे उसको मालूम ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। और उस समय के टाइम पे जब वो ध्यान की अवस्था में होता है, तो वो ऐसा परम सुख और ऐसा आनंद प्राप्त करता रहता है जो एक कोई किसी को सोफा, बेड या गाड़ी खरीदने से जो सुख मिलता है, और सुख मिलने के बाद व्यक्ति बोलता है मैं शांत हो गया हूँ, मैं सुखी हो गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, शांत हो गया हूँ, सुखी हो गया हूँ, सो रहा हूँ, वही सुख उसको वो उस तरह से मिलता है। जब एक ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ इंसान जब ध्यान में होता है, तो परम आनंद को वो प्राप्त होता रहता है। परम आनंद यानी उसको वही सुख मिलता है जो निद्रा में सुख मिलता है, और उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। एक अमीर से अमीर आदमी हो या एक निचले तरीके से रोज कमा के रोज खाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो जब सोता है, तो सोने के बाद उसको रिलैक्स फील होता है, उसको भी रिलैक्स होता है, उसको भी रिलैक्स होता है। सुबह उठने के बाद वो भी अपने काम में लगता है, वो भी अपने काम में लगता है। तो इसके अंदर जो पूरा का पूरा जो काम है, वो नींद और एक ऐसी अवस्था का है। अब इसमें जो लोग ध्यान करते हैं, वो चाहे मंत्र जाप करके ध्यान करें, जब मंत्र जाप करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे मंत्र जाप करते करते मंत्र धीरे धीरे धीमा होता जाता है, धीरे धीरे मंत्र धीमा होने के बाद मंत्र गायब हो जाता है, मंत्र बोलने का धीरे धीरे बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो चुप हो जाता है, फिर मन के अंदर मंत्र के जाप होने लगता है, मन से जाप होने लगता है, जीवा बंद हो जाती है। जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं, उनको मालूम होगा कि धीरे धीरे मन से जाप होने लगता है। सामने वाले को देखेंगे, सामने वाला बोलेगा कि मुझे ये सामान दो, मुझे ये काम करके दो, तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके मन में जाप चल रहा है। वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, राम 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 का जाप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मन के अंदर जाप कर रहा है, मन के अंदर उसका जाप चल रहा है।